वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना भूल गए हैं तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ई श्रम कार्ड दोबारा से डाउनलोड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप दोबारा से ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानते हैं ई श्रम कार्ड को किस तरह से दोबारा डाउनलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गूगल को ओपन करते हैं और फ्रेंड्स गूगल को ओपन करने के बाद यहां सर्च बार में आपको टाइप करना होता है फ्रेंड्स ई श्रम। फ्रेंड्स ई श्रम टाइप कर लेने के बाद आपको करना क्या है, सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको यहां दिख जाएगा ई श्रम। तो इसको हम लोगों को क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने जो ई श्रम का पेज है कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पे फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो फ्रेंड्स हमको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। फ्रेंड्स ये वही पेज है जिस वक्त आपने अपना ई श्रम कार्ड को रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कैप्चा कोड, यहाँ जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड को आपको केयरफुली से टाइप कर देना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो टाइप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो आपको बटन दिख रहा है ये ग्रीन वाले बटन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है उस पे ओटीपी आ चुका है। तो वो ओटीपी को हम लोगों को इस वाले बॉक्स पे फिल कर देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं फ्रेंड्स। फिल करने के बाद आपको यह सबमिट का जो बटन दिख रहा है ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही आधार नंबर डालना है जो आप ई श्रम कार्ड को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त डाला था। तो यहाँ पे आपको सेम आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना यहाँ पे जो आधार नंबर है वो डाल दे रहे हैं। यहाँ आधार नंबर डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ जो आपको बॉक्स दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बॉक्स पे आपको टिक कर देना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो फिल कर दिया, उसके बाद ये बॉक्स पे टिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सबमिट का जो बटन दिख रहा है ये सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, दिस आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम। तो फ्रेंड्स ये पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है। तो टू अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड यूएन कार्ड प्लीज क्लिक हियर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं या यूएन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को तो डाउनलोड करना है तो हम लोग क्लिक पे क्लिक कर दिए। कि जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से एक बार जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसको फिल कर देना होता है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उसको फिल कर दे रहे हैं। फिल कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से एक बार कैप्चा कोड को फिल करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं। तो जैसे ही कैप्चा कोड को फिल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का बटन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो अपना ओटीपी है उसको यहाँ फिल कर देते हैं। फिल कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबमिट का जो बटन है वो बटन आपको दिख जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं अपना यहाँ ओटीपी को फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो सबमिट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर आधार नंबर मांगा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो अपना आधार नंबर है वो आधार नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपना जो यहाँ पे आधार नंबर है, जो आधार नंबर यूएन के समय डाला था, वही सेम आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है। तो डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे तीन ऑप्शनें देखने को मिल जाएंगे। एक फ्रेंड्स आपको दिखेगा फिंगरप्रिंट, जो कि बायोमेट्रिक का होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ओटीपी वाले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने होते हैं। तो चलिए ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं। टिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको एक कैप्चा कोड दिख जाएगा। ये कैप्चा कोड को आपको फिर से इस वाले बॉक्स पे फिल कर देने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको केयरफुली से फिल कर दे रहा हूँ। कैप्चा कोड फिल कर देने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने सबमिट का बटन दिखेगा। ये सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने एक बार फिर से आपका जो रजिस्टर्ड आधार लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मेरा जो ओटीपी है वो आ चुका है। वो ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स पे डालने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ओटीपी को फिल करते हैं। फिल कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो वैलिडेट का बटन दिख रहा है, ये वैलिडेट वाले बटन पे आपको क्लिक करने होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने जो आपका आधार का जो डिटेल्स था, आधार में जो डिटेल्स दिया हुआ था, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, तो फ्रेंड्स सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ जो आपको दिख रहा है अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख जाएगा आपका नाम और अपडेट प्रोफाइल। अगर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको डाउनलोड यूएन कार्ड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड यूएन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डाउनलोड यूएन कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। हम लोग जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने आपका जो यूएन कार्ड है वो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यूएन कार्ड है वो आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका यूएन कार्ड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो आपको यहाँ पे अब करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आप अपना यूएन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डाउनलोड यूएन कार्ड का जो बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये डाउनलोड यूएन कार्ड वाले बटन पे आपको क्लिक करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से डाउनलोड यूएन वाले कार्ड को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपको यूएन कार्ड को डाउनलोड करना है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक मैसेज आ चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को करना क्या है, ये डाउनलोड वाले जो बटन है, ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर लेने होते हैं और अपने जो मोबाइल है उस पर अपना यूएन कार्ड को डाउनलोड कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जो यूएन कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा जो यूएन कार्ड है वो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो गया। सो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अपना जो यूएन कार्ड है उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।